अभी तक हमने अपने छोटे मोटे डिजिटल काम के लिए स्मार्टफोन को यूज करना सीख लिया है और उसे काफी स्मार्टली यूज भी करते हैं, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी का लेवल इतना एडवांस हो गया है कि अब हमारे छोटे मोटे फिजिकल काम भी रोबोट के माध्यम से हो जाते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ रोबोटिक हसीनाओं के साथ साथ डेली यूज में आगे वाले काम के नए रोबोट से। वेलकम टू रोबोटिक वर्ल्ड। स्नैक रोबोट, ये एक ऐसा रोबोट है जो चलने में एकदम सांप की तरह है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समुद्र की गहराइयों में। ये किसी जहाज को या फिर पनडुब्बी को ठीक करने के लिए समुद्र की कितनी ही गहराइयों में उतरकर काम कर सकता है। इस लिहाज से ये इंसानों के बड़े काम की चीज है। बटरफ्लाई रोबोट, उड़ने वाला रोबोट मात्र 32 ग्राम से 35 ग्राम के बीच के वजन का है। ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। अगर इन तितलियों के बीच उड़ा दिया जाए तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। लेकिन इन रोबोट्स की खासियत ये है कि ये बड़ी आसानी से कहीं भी प्लांट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज असीमो। होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया ये रोबोट 54 किलोग्राम का है। इसकी हाइट 4 फीट है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट है और इसे तकरीबन हर तरह के काम को करने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को किक भी मार सकता है। ये रोबोट इंग्लिश, चाइनीज और जापानी भाषा में बात कर सकता है। इसे कमांड देना बड़ा आसान है। एक बार कमांड सेट कर दो तो ये खुद ही रिएक्ट करता है। जापानी गवर्नमेंट इस रोबोट को लेकर काफी होपफुल है। वो चाहती है कि इसे और भी जगह पर ट्राई किया जाए। हो सकता है आने वाले समय में हम भारत में भी इस तरह के रोबोट को काम करता हुआ देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट इज स्पाइडर रोबोट। मकड़ी के आकार का ये रोबोट पानी में भी उतारा जा सकता है। ये इंसान के बड़े काम की चीज है क्योंकि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह का रोबोट बड़ी आसानी से कहीं भी प्लांट किया जा सकता है और वहां से ये मैसेज भेज देता है। ये किसी के भी पीछे पड़ जाए तो फिर अपना लक्ष्य पूरा होने तक पीछे नहीं हटता। इरिका, जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसे बनाया है। इरिकी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल इंसानों की तरह है। आप इससे बातचीत करेंगे तो जिस मूड में आप बातचीत करेंगे वो उसी मूड के एक्सप्रेशन आपको देती है। ये हर मिलने जुलने वाले को याद रखती है, बातचीत कर सकती है और इसके साथ ही इरिका चेहरे और आवाज के आधार पर इंसानों को भी पहचान लेती है। इरिका एक ऐसी रोबोट है जिसकी अपने खुद की भी ख्वाहिशें हैं। सोच लो भाई, अभी तो आदमी केवल बीवी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा रहता है और उन्हें भी ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहा है। अब रोबोट भी आ जाएगी तो क्या करोगे? इरिका की खूबसूरती अकेले अकेले मत देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कंगारू रोबोट, ये है 7 किलो वजन का कंगारू रोबोट। ये अपने वजन से भी कई गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। ये छलांग लगाकर आगे बढ़ते हैं और इनकी हर छलांग अपने पिछली छलांग से ज्यादा ऊंची और बड़ी होती है। ये किसी भी काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रोलिंग बोट। अगर आपको इस बात की चिंता रहती है कि आपके घर में ना रहने पर आपके पीछे घर में क्या होता है, तो आपको एक ऐसी डिवाइस मिलने जा रही है जो आपकी तमाम चिंताओं को दूर कर देती है। ऐसा फुटबॉल की तरह दिखने वाला रोबोट है जो स्पाई डिवाइस की तरह काम करता है। इसमें कैमरे लगे होते हैं। आप जब चाहे जहाँ चाहे अपने घर या ऑफिस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ आसपास रोटेट करता हुआ वहाँ की एक एक इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजता रहता है। नेक्स्ट इज नदीनी। देखने में बिल्कुल एक औरत की तरह नजर आने वाली ये रोबोट आज के दौर में सबसे स्मार्ट रोबोट्स में से एक है। ये आपसे बातें कर सकती हैं, ये लिखी हुई बातों को याद रखती है और उनके बेसिस पर आपसे आगे कन्वर्सेशन कर सकती है। इसके साथ ही नदीनी हिंदी के अलावा 5 और भाषाएं भी जानती है, यानी कुल मिलाकर 6 भाषाओं में बातचीत कर सकती है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज और जापानी भाषा भी जानती है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके मन में क्या चल रहा है इसका पता लगा लेती है। इनके पास एक चार्ट होता है जिस पर ये इस बात को याद रखती है कि लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई थी। नदीनी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाती है। नेक्स्ट इज पेपर। बात करते हैं एक ऐसे रोबोट की जिसका नाम तो पेपर है, लेकिन काम ये बड़े बड़े करता है, मतलब सबको हंसाने का काम।
लोगों को टेंशन फ्री रखने का काम। दरअसल ये रोबोट आपको हंसाने का काम करता है, क्योंकि दुनिया को ये हंसाने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि लोग ये मानते हैं कि अब ये आउटडेटेड हो गया है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ऐसा नहीं मानती। वो इसमें कुछ ऐसे चेंज करने वाली है जो इसके यूज को और भी बढ़ा देगा। ये मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल रहेगा। दोस्तों, बात अगर हंसने हंसाने की हो रही हो तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम लोग भी हंसे और नाचने लगे। बस आपके इस वीडियो को लाइक करने की देर है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1000 लाइक तो जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट इज डेका रोबोट। ये रोबोट इंसानों के बड़े काम की चीज है, खासतौर से वे लोग जो दिव्यांग है, जो अपने हाथ या पांव से लाचार है। डेका रोबोट ऐसे लोगों को नकली हाथ या पांव देते हैं, लेकिन वो उनसे बड़ा काम ले लेते हैं। इस तरह के रोबोट इंसान के बड़े काम आते हैं। ये रोबोट इंसानों के साथ उनके हाथ पांव की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज जिया जिया। खूबसूरत दिखने की जिया ले जाए जिया। चीन की एक कंपनी ने इस रोबोट की शक्ल को इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी इसे देखता है इसके साथ कम से कम एक सेल्फी जरूर लेना चाहता है। जिया जिया को यदि महिलाओं की भीड़ में छोड़ दिया जाए तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जिया जिया अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल इंसानों की तरह देती है। इसके निर्माताओं ने जब इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो जिसने भी इसे देखा देखता ही रह गया। दोस्तों, जिया जिया की खूबसूरती देखकर क्या आपके दिल में भी बजा गिटार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट केवल देखने में ही स्मार्ट नहीं है, बल्कि वर्किंग में भी स्मार्ट है। अब है डॉग रोबोट। जानवरों की तरह नजर आने वाले रोबोट बहुत तेजी से दौड़ सकता है। ये किसी भी तरह के रास्ते पर चल सकता है। इसका नाम है स्पॉट। दिखने में तो इसका आकार आपको किसी कुत्ते की तरह लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है कि छोड़ दिया जाए तो कुत्ते इसे छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ ज्यादा डर जाते हैं बेचारे। गूगल कंपनी ने इस रोबोट को बनाया है और गूगल कंपनी इस रोबोट के फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है। इससे हम काफी डिफरेंट काम ले सकते हैं। अब है सोफिया। सोफिया 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। इसके इंटेलिजेंस को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने इसे अपने यहाँ की नागरिकता दे दी है। क्या बात है दोस्तों, सऊदी अरब की पहली महिला जिसे बोलने का अधिकार है, और वो भी रोबोट। सोफिया के जलवे हैं सऊदी अरब में। बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। ये सामने वाले से बात कर सकती है और बातचीत को याद रख सकती है। सोफिया ने कई जगह इंटरव्यू दिए जिसमें सभी सवालों के जवाब उसने ठीक ठाक दिए। साथ ही उसके भीतर सीखने की क्षमता भी है जो उसे बेहतर बनाती है। ये मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस आर्टन हेब्रेन की शक्ल वाली ये रोबोट है जो पूरी दुनिया में नाम कमा चुकी है। अपने स्मार्टनेस, नॉलेज और फेस एक्सप्रेशन की वजह से हर किसी को ये प्रभावित कर लेती है। इसे हांगकांग की एक कंपनी हैरिसन रोबोटिक ने बनाया है। अब तक के सभी रोबोट्स में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। एंड लास्ट, एंकर रोबो। जापान की एक कंपनी ने न्यूज रीडिंग करने वाली एक रोबोट को लॉन्च किया है, जहां अब आपको हो सकता है कि टीवी पर इंसान की जगह रोबोट न्यूज पढ़ते हुए नजर आए। दरअसल ये कुछ इस तरह की से डिजाइन की गई है कि ये हंस भी सकती है और रो भी सकती है। इसके साथ ही गुस्सा भी कर सकती है। वैसे अगर इनको गुस्सा आ भी जाए ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत और इनकी आवाज इतनी प्यारी है कि इनकी डांट भी सबको अच्छी लगेगी। हालांकि जापानी सरकार ने इन्हें बनाया है और वो प्लान कर रही है कि 2022 से इससे 20 मिनट की न्यूज रोज पढ़ाई जाए। क्या सोचते हैं आप, ये रोबोट जब न्यूज पढ़ेंगे तो पब्लिक रिएक्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी रोबोट्स की दुनिया। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसमें से आपको कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा यूजफुल और क्यूट लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।